प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं 6 मंथ्स पहले से। प्रेगनेंसी का प्लानिंग करने की वजह से हमें डाइट और एक्सरसाइज दोनों का प्लान करना पड़ता है। प्रेगनेंसी की प्लानिंग के लिए हमें पहले देखना है हमारे ब्लड प्रोफाइल्स, जिसमें कैल्शियम होता है, आयरन, फॉलिक एसिड, B12 और ऑल्सो वी हैव टू चेक विद विटामिन ए। विटामिन ए की मात्रा भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी की बढ़ानी चाहिए। मेन इम्पॉर्टेंट कैल्शियम रहता है, जिसकी मात्रा हमें पहले देखनी चाहिए कि खून में कितनी है। कैल्शियम बढ़ाने के लिए हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ करना पड़ता है, लीफी वेजिटेबल्स इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। हमारा रेगुलर इंटेक पैटर्न बनाना पड़ता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर रहता है, वो भी टाइम पे रहता है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ाना चाहिए, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है। सिंपल शुगर्स, ब्रेड आइटम्स, बेकरी आइटम्स को हम कम करते हैं। रोटीज़ है, राइस है, मिक्स फ्लावर की रोटीज़ है, दलिया है, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। हमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का भी ध्यान रखना है, तो एक मल्टी विटामिन ले सकते हैं, या तो रेगुलर इंटेक में हमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और मिक्स सैलड्स ले सकते हैं उसमें। आगे आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन इंटेक हर एक मील में बढ़ानी चाहिए, कोई भी एक मील में नहीं बढ़ानी चाहिए। हमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर हर एक में कॉन्स्टेंटली एक एक सर्विंग ऑफ प्रोटीन्स बढ़ानी चाहिए। उसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, जो आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, दही, पनीर, रसगुल्ला होता है, या तो फिर आता है नॉन वेजिटेरियन फूड में। एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। विटामिन सी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ाता है। विटामिन सी का रोल हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन सी हमारा प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन सी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट रहता है, और फ्रूट्स में आंवला, गुआवा, इसमें मैक्सिमम प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आता है ऑरेंज और पपाया। लेकिन विटामिन सी में ये मेजर प्रॉब्लम रहता है कि जैसे हम उसे काट के खाते हैं या पका के खाते हैं, तो वो विटामिन सी 50% डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोई भी चीज़ जिसमें कुक की होती है, उसमें विटामिन सी प्रेजेंट नहीं रहता है। इसीलिए विटामिन सी का इंटेक थ्रू टैबलेट लेना या मल्टीविटामिन के साथ लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आयरन इंटेक का हमारे प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आयरन अगर कम हुआ तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाती है। स्पेशली द ग्रोथ ऑफ द बेबी इज़ अफेक्टेड, और डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसीलिए आयरन लेवल पहले ही चेक करवा लेना चाहिए। आयरन इनटेक बढ़ाने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। जब आयरन बढ़ जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी में रहती है, जैसे डिजीनेस रहता है, हैवीनेस रहता है, वाटर रिटेंशन रहता है, जो वाटर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, ये सब कॉम्प्लिकेशन से बहुत सारे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। आयरन जैसे बढ़ेगा तो ग्रोथ ऑफ द बेबी भी बढ़ जाता है। फीटल के मेंटल कैपेसिटी, आई डेवलपमेंट, बॉडी के हर एक पार्ट का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसीलिए हम लोग पहले से जब ध्यान रखते हैं हर एक न्यूट्रिशन का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, आयरन, फॉलिक एसिड, B12 का, तो हमारी प्रेगनेंसी में हम लोग कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सकते हैं। सो डाइट एंड एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल for pre-pregnancy planning.